सामाजिक न्याय चाहिए। और आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ ही राहुल जी ने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ओबीसी का हवाला देके जब वो बने थे प्रधानमंत्री, तब से लेके आज तक हम देखते आ रहे हैं कि नॉट जस्ट उत्तर प्रदेश में लेकिन ऑल ओवर इंडिया आरक्षण पे वार किया जा रहा है। और इसीलिए शायद इन्हें संविधान बदलना था, 400 पार चाहिए थे, लेकिन जनता देख रही थी कि किस तरीके से आरक्षण को बार बार लगातार क्षति पहुंचाई जा रही है। और उसका आज पूरी तरीके से खुलासा हो गया। हाईकोर्ट ने बता दिया कि जिस तरीके से 69,000 वैकेंसीज के ऊपर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, वहाँ पे सिर्फ 3.86% रिजर्वेशन ही मिला है। आपने तो वो भी खत्म कर दिया चित्रा पाठक, इन्होंने कम से कम 3 कुछ दे दिया, आपने वो भी खत्म कर दिया था। एएमयू में, जामिया में आपने एससी एसटी ओबीसी कोटा ही खत्म कर दिया, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया। मैडम वैसे वैसे तो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में और डेंटल इंस्टीट्यूशंस में आज भी उत्तर प्रदेश में कोई रिजर्वेशन नहीं है। नहीं, मैं कुछ और बात, चित्रा, इन्होंने कम से कम 3% दे दिया पिछड़ों को, ओबीसी को। आपने तो पूरा सुनिए ना चित्रा, आपने तो एससी एसटी ओबीसी तीनों रिजर्वेशन खत्म कर दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खत्म कर दिया, जामिया मिलिया इस्लामिया में खत्म कर दिया। आप सिर्फ दो इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। 93rd अमेंडमेंट में जो IITs IIMs में और एजुकेशन सेक्टर में दिया गया था रिजर्वेशन, वो कांग्रेस के जमाने में दिया गया था रिजर्वेशन। नहीं, यहाँ क्यों खत्म कर दिया? एएमयू 60 साल से मिलता था ना, आजादी के बाद 60 साल तक मिलता रहा। 91 में ही तो ओबीसी का रिजर्वेशन मैडम लागू हुआ है। 2011 में खत्म कर दिया आपने, मनमोहन सरकार ने। जी नहीं, मैं आपको वही बता रही हूँ कि देश के जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें कांग्रेस की सरकार की वजह से ही आरक्षण लागू हुआ है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि नॉट एनएफएस का जो ये इनका मोडस ऑपरेंडी है, ये आज सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है। आप IITs में देखिए, IIMs में देखिए, हमारी फैकल्टी कितनी है? जीरो परसेंटेज हमारी फैकल्टी है। आप जहाँ पे जनरल कैटेगरी के 104 या 160 नंबर्स रहते हैं, वहाँ पे एक या दो आपको ओबीसी या एससी एसटी वर्ग के लोगों की ये मिलेंगे, फैकल्टीज मिलेंगे। तो ये पूरी तरीके से एक जाल है जो आरक्षण पे ये संविधान के माध्यम से वार नहीं कर पाए, तो वो अभी इस तरीके से पीछे के दरवाजे से एनएफएस यूज करके आरक्षण को खत्म करेंगे। मैं आपको महाराष्ट्र का एग्जांपल देना चाहूंगी। आईआईटी मुंबई में 2023 में पीएचडी की वैकेंसी निकली थी, उसमें 168 खाली जनरल कैटेगरी के लिए थे, 80 सीट्स ऑफ ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी एनएफएस डिक्लेयर करके उनको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया। बड़ा चित्रा, बड़ी अच्छी लगती है कांग्रेस, बतौर कांग्रेस प्रवक्ता आप जब आरक्षण की पैरोकारी करती हैं आज की तारीख में 2024 में, तो बढ़िया लगता है। बट सिंस कब से 1947 के बाद काका कालेलकर रिपोर्ट बनाई गई थी, सबसे पहले वो टेबल तक नहीं हुई पार्लियामेंट में, मंडल आयोग की रिपोर्ट 10 साल तक दबाकर बैठी रही कांग्रेस, अभी आरक्षण की बात बड़ी अच्छी लगती है आपके मुंह से चित्रा। ओके ठीक है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा इसमें इनडेप्थ रिसर्च करना चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं है। जब मंडल आयोग की भी रिपोर्ट को वीपी सिंह सरकार ने एक्सेप्ट किया था, तब इंदिरा सोनी जी मैडम ने जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोई भी रिपोर्ट, कोई भी कमीशन की रिपोर्ट इस तरीके से डेवलप होनी चाहिए कि इट शुड स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम इन द रिस्पेक्टिव कोर्ट्स। काका कालेकर की अगर आप देखें रिपोर्ट और उनकी हिस्ट्री अगर आप पढ़ें, तो द वे इन विच या जो भी जिस तरीके से वो बनाया गया था, वो रिपोर्ट कोर्ट्स में स्टैंड नहीं होती थी, इसीलिए उसको उनके परमिशन के साथ रिजेक्ट कर दिया गया था। अगर काका कालेकर की रिपोर्ट को नहीं, चित्रा आपकी आवाज दरअसल ब्रेक हो रही है, चित्रा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं दोबारा लौटूंगी, आपकी आवाज जरा दुरुस्त करा दूं, मैं फिर वापस लौटूंगी आपके पास। राजकुमार बाटी, अब उत्तर प्रदेश में सरकार